अ पर्सन इज मेकिंग समथिंग फ्रॉम होम, मतलब होम मेड कुछ बना रहा है, गुड्स वगैरह, सो उसके लिए व्हाट आर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड? लाइक ही कैन नॉट गो, ही कैन नॉट हैव जीएसटी बिकॉज उसके लिए 20 लाख एक्सीड करना पड़ता है. सो व्हाट इज ऑल्टरनेट थिंग दैट वी कैन चेक ऑफ हिम? आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप कंपनी का करवा सकते हो. सो दैट इज मैंडेटरी जो कंपनी का करवाना है? नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी. You can just, if you want to start at a very small scale, you can just start a proprietorship firm. सिर्फ आपको एक पैन कार्ड बनवाना है. पैन कार्ड भी आपका अपना पर्सनल पैन कार्ड भी चल जाएगा. You just have to open up a bank account using that PAN card. That's it. So that should be a bank current account. Current account, right. So, मतलब उनको चेक करने का एक ही है कि they should have a current account. That's it. उसके बिना हम उनको verify बिल्कुल नहीं कर सकते. The people who make from home. नहीं, करंट अकाउंट के बिना भी कर सकते हैं, बट अगेन यू विल नॉट बी एबल टू, जिसका करंट अकाउंट नहीं है दे विल नॉट बी एबल टू क्लेम द एक्सपेंसेस. फिर आपको वो खर्चे नहीं डाल सकते, आपको टैक्स पूरे पे लगेगा. राइट. और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है आपने बोला ना? फॉर ओपनिंग अप अ बैंक अकाउंट पैन कार्ड पेमेंट किस में लेंगे? तो पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए. कंपनी का पैन कार्ड? अपना पर्सनल. अगर आप फर्म बना रहे हो तो सिर्फ अपना पर्सनल पैन कार्ड चाहिए. बिगर स्ट्रक्चर अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 50,000-1 lakh रुपीज मंथली भी आ रहा है, तो भी आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ना जाइए. यू शुड गो फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिकॉज लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है प्रोप्राइटरशिप में. Proprietorship is generally made for small scale, you know, छोटी छोटी दुकानें या कोई रोड साइड कोई छोटा सा कुछ अपना सेटअप लगा लेता है, उन सब के लिए कायोस लगा लेता है, बट नॉट गुड फॉर यू नो मल्टी सिटी बिजनेस के लिए तो बिल्कुल नहीं है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप. राइट. और जब हमें फंडिंग के लिए जाना है तो कैन वी कन्वर्ट LLP टू प्राइवेट लिमिटेड? नहीं, LLP अगर आप बना रहे हो तो फिर LLP किस पर्पज से बना रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड LLP बनानी ही क्यों है. अगर आपको फंडिंग के लिए जाना है तो सीधा प्राइवेट लिमिटेड बनाएं. डोंट गो फॉर यू नो एक्सपेंसेस बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही काम है. LLP और कंप्लायंसेस आपको वहां भी करने पड़ेंगे. ओके, उसमें मंथली कुछ ये नहीं करना पड़ता? लाइक प्राइवेट लिमिटेड में मंथली वी हैव टू फाइल? नहीं ऐसा नथिंग इज देयर, नथिंग, कुछ नहीं है ऐसा. कोई मंथली नहीं है, सिर्फ एनुअली है. अगर आप जीएसटी नंबर लेते हो तो आपको एनुअली कंप्लायंस करना है. राइट, जीएसटी लेते हो तो मंथली करना है, पर उसमें भी क्वार्टरली ऑप्शन होता है, बट जीएसटी आपका हर मंथ जाएगा. सो इन केस यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम एनीवेयर, आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा. और इन केस आप स्टेट के बाहर कुछ भी करते हो तो भी जीएसटी लेना पड़ेगा. सो अगर इन केस किसी का LLP है तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड? हो जाता है. ठीक है, थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू.